हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वैली। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक प्रिंट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सारी चीज आज हम इस वीडियो से बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक साइबर वैली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। देखिए भाई साहब, अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक प्रिंट करना है तो ये जो एमएस वर्ड फाइल है, डॉक्स फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका सीआईएफ नंबर, अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका फादर का नाम, यहाँ पर सारे चीज आपको टाइप करना है। चलिए हम सारे चीज को फिल करते हैं। तो यहाँ पर हम सीआईएफ नंबर में क्लिक करेंगे और यहाँ से सीआईएफ नंबर को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे और टाइप करेंगे हमारा जो न्यू जो सीआईएफ नंबर है। अकाउंट नंबर में हम अकाउंट नंबर को डिलीट करेंगे, ठीक है, और न्यू जो अकाउंट नंबर है वो टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो नाम है यहाँ पर टाइप कर देंगे राजू, सारे चीज कैपिटल में लिखिए तो अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम जो फादर नेम है वो लिखिए, तो उसके बाद यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है वो लिखिए, उसके बाद यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है लिखिए। अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो इसी तरह से इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। चलिए हम फर्स्ट जो लाइन है उसमें हमारा एड्रेस टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पोस्ट ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस स्टेशन है, वो हम लिखते हैं। उसके बाद हमारा जो पिन कोड है यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जिस डेट में अकाउंट ओपनिंग किया वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सीआईएफ नंबर है, उसके बाद यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड टाइप करना है, इसको डिलीट करना है। पहले का था वो डिलीट कर दिए, पहले का जो था आईएफएससी कोड उसको डिलीट कर दीजिए। ब्रांच नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है, सी कोड यहाँ पर आप इसको डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद न्यू जो एमआरसी कोड है वो टाइप कर दीजिए। ब्रांच का जो एड्रेस है यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करके आप उसको टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर अलीपुर द्वार। इसी तरह से आप सारे चीज एडिट कर सकते हैं और इसको रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल में क्लिक कीजिए, प्रिंट में क्लिक कीजिए। प्रिंट आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी का है। इसको आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं या प्रिंट में क्लिक करके प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं या खुद आप प्रिंट करके इसको हर काम में यूज कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो से बात किया बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक आप कैसे प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वही से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।